नहीं नहीं बाद में बाद में पीछे 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 प्लीज पीछे बिग बॉस में ना जीत के आऊं मैं, मुझे पता अब क्या करना क्या नहीं करना है, नहीं
अभय कैसे चलना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना सब पता, मैं उस हिसाब से पर्सनैलिटी मेंटेन करके रखूंगी। तो वो शिव ने किया, पर जो एमसी स्टैंड है वो प्योर सोल और ओरिजिनल चीजें रही है उसकी, तो मे बी शायद वो इस वजह से विनर बना है। और मतलब जो था वो था, हाँ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और मुझे लगता है दूसरा मैं क्रेडिट, सबसे पहला क्रेडिट मैं यही देना चाहती हूँ कि जितना भी जनता ने उसे प्यार किया है, बहुत ज़्यादा उसको प्यार दिया है, वोट दिया है, तो शायद ये भी एक रीज़न है कि आज वो विनर है। मेरे को ना मूवी मिली, ना टीवी सीरियल मिला, ना कोई रियलिटी शो मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, बट मुझे एक बहुत बड़ी चीज मिली है, मुझे जनता का प्यार मिला, पूरे भारत का मुझे प्यार मिला, महिलाओं का प्यार मिला, वो मेरे लिए काफी है। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सुनिए, मैंने क्या बोला कि मैं एक्टर हूँ। अब मैं पॉलिटिक्स में जिस वजह से आई हूँ, एक्टर की वजह से आई, तो मैं एक्टिंग नहीं छोड़ सकती। ऑफ कोर्स मैं मूवी करूँगी, मैं जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिलेंगे मैं लूँगी और मैं करूँगी। उसके साथ साथ मैं, मुझे इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो मैं मूवी भी करूँगी और साथ के साथ ये। बट मेरा था कि पहले अभी इस वक्त, क्योंकि अभी मैं बिग बॉस से जस्ट निकली हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे को फिल्में विल्में मिलेंगी काफ़ी, और मतलब ऐसा मेरा पॉजिटिव थिंकिंग है। नहीं मैंने तो नहीं किया, नहीं किया मैंने तो। नहीं देखो अभी ये नहीं सोचा मैंने इस बारे में सच में। नहीं 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 मुझे ना भैया, मैं बता रही हूँ, मैं बस एक दिन के लिए जाऊंगी। हेलो हाय भैया कैसा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है, आ गई मैं, चार साढ़े चार महीने, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। चल रहा भैया तो स्ट्राइक स्टेटमेंट हो गया, क्या चल रहा भैया तुम्हारा, ठीक है हो गया इतना बात, बाकी अपना फिल्में करूंगी। पर मैं अर्चना, आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रियंका ज्यादा डिजर्विंग थी एमसी स्टैंड से? दिल से बताऊं मुझे सच में, मतलब जैसे ये शो बताया जा रहा था उस हिसाब से, तो मुझे वोट के हिसाब से मुझे लगता था कि एमसी स्टैंड है, और प्रियंका भी थी बट मुझे एमसी स्टैंड ज़्यादा लगता था। अंदर की बात पूछो तो भैया बहुत ही भयंकर रहा, मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, और जब भी प्रूव ही नहीं होते थे गलत रहते थे। अब पता क्या, मुझे ना लाइफ में कभी ठोकर नहीं मिली है ना, ठोकर मिली प्यार में, ठोकर मिली चलो ठीक है, वो भी एक ही बार मिली, बट अभी मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में, यानी मुझे प्रैक्टिकल चीज़ों में ठोकर मिली। तो अभी मुझे सलमान सर ने बहुत चीज़ें सिखाई है जो मुझे आगे के करियर के लिए भी, मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती हूँ। अब मैं कैसे करूँ, आंसू थोड़ा रोक सकती हूँ, इमोशन थोड़ा रोक सकती हूँ, एक अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मुझे। बट अब मुझे यहाँ आने के बाद पता चला, जिस घर में मैं रह रही थी वो घर नहीं था, वो सेट था और वो एक शो था। शो खत्म भैया, तुम अपने घर में अपने घर, उसके बाद में मुझे नहीं लगता किसी को इमोशनल की कदर है या नहीं है। नहीं अच्छा अच्छा, दूध को लेके और छोटी चीजों को लेके आपका घर में इतना झगड़ा था, आप बोलती भी थी मेरे लिए छोटी चीजें, लेकिन क्या आपको लगता है वो वर्थ था अब गेम में निकलने के बाद? नहीं पता है, नहीं नहीं हाँ, अब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली ये मैं आपको पता नहीं, शायद मे भी एक महीने तक आपको पता चल जाएगा कि मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं ऐसी ही हूँ। मैं मम्मी पे कभी कभी टमाटर को लेके झगड़ा कर लेती थी, मम्मी तुम्हें रखना चाहिए सब्जी बननी है, बिना टमाटर के मैं सब्जी नहीं खाती। बट अब बिग बॉस में जाने के बाद पता चला कि भैया बिना टमाटर की भी सब्जी बन सकती है, बिना प्याज की भी सब्जी बन सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप इतनी छोटी सी चीज़ पे इतना बड़ा क्रिएट करो। बट वो मैं कब सीखी, बिग बॉस में जाने के बाद में सीखी कि अच्छा दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ जो मुझे जीना है आगे। बट उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, गंदा तो रखा क्या। हाँ देखो एमपी जब भी मिले, चाहे 2025 में मिले, 26 में मिले, कभी भी मिले, कोई इसमें मतलब दिक्कत नहीं। बट मैं पहले चाहती हूँ कि मैं फोकस पहले अपने काम पे करूँ, क्योंकि देखो मेरा काम दिखेगा तो मैं भी शायद किसी की नज़र में मैं आ जाऊँ, और या क्या पता नज़र में भी ना हो, प्यार हो जाए मुझे, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब कब हो। अभी बाहर निकलना बाकी है ना, अभी एक दो लोगों ने सेल्फी ली मेरे साथ, मजा आ गया।
इंग्लिश को लेके जिस तरह से आपने बोला था कि आप अपने जब भी बच्चे होंगे उसको इंग्लिश मीडियम में डालोगे, जो था काफी लाइव में आपने ये बोला था, इस पे कितने बदलाव आप देख रहे हैं? आपको भी जिस तरह नहीं आ रहा और इतना बड़ा सफर और इतना मुकाम तक आप पहुंचे हो, इस तरह नहीं होता कि इंग्लिश आना कंपलसरी है, इस पे कुछ बदलाव अभी आपके में नजर आ रहा है कि भाषा इम्पोर्टेंट नहीं होता है? नहीं, बट मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा बिग बॉस में जाके लगा जैसे काफी लोग हैं, मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई मजाक उड़ा के चला जाता है तो मैं उसको रिप्लाई करूँ, ओए हेलो आई नो इंग्लिश, ओके आई एम नाउ आई एम टॉकिंग टू यू. मतलब मैं चाहती हूँ कि पार्टी में बैठो, बड़ी बड़ी पार्टी अब करूँगी है ना, जैसे कल फरा मैम की पार्टी है वहाँ जाऊँगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे तो मतलब स्टाइल में ऐसे बैठ के हाँ यस यस या मतलब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश सीख जाऊँ, थोड़ा पर्सनैलिटी अच्छी कर लूँ, तो मतलब बाकी सब सेट है, शायद तब मुझे मूवी वूवी मिल जाए. अर्चना आपका लास्ट ही डायलॉग बोल के जाइए प्लीज, आपके आइकॉनिक डायलॉग. क्या चल रहा है और मोर बना दूंगी प्लीज. अच्छा भैया क्या चल रहा है तुम्हारा सबका, हाँ हाँ और क्या मारते मारते, ये बड़ा गंदा डायलॉग है सच में, बड़ा अच्छा है. किसको बोलूं, मारते मारते ना मोर बना दूंगी मैं मोर, ठीक है. थैंक यू. ओके थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आई लव यू सो मच. थैंक यू. अर्चना और